हेलो डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग लाइव में जुड़े हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं आप लोग से यही कहता हूं बस कि जो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े उनको थोड़ा आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स लाइव में जुड़ सके। तो आप लोग शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, और जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो आने के साथ ही वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हमारा है डे 17, यानी कि टाइम एंड टेंस का ये 17वां क्लास है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए और बिना किसी देर के, ठीक है। आज गर्मी भी है बहुत ज़्यादा, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, और जब मैं क्लास लेता हूं तो फैन ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप लोगों को फैन का साउंड सुनने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिए, ये तीसरा नंबर प्रेजेंट का टेंस है। कितना नंबर है सर? तीसरा नंबर है। तो देखिए सर आप लोग, ठीक है, कि ये जो है ये जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट का मतलब हो जाता है पूर्ण वर्तमान, और परफेक्ट का मतलब हो जाता है पूर्ण, और टेंस का मतलब काल, ठीक है। मतलब आप पूरा हिंदी में दी बैठा करके बोलिएगा सर, तो क्या हो जाएगा सर? पूर्ण वर्तमान काल। अगर इसका हिंदी करिएगा तो कहिएगा इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वैसा काल। ध्यान दीजिएगा ब्रदर्स, सर, फ्रेंड्स, ठीक है, जो कह दूं आप लोग सभी है मेरे, ठीक है। वैसा टेंस जिसमें कि एक्शन पूर्ण हो चुका है। कहने का मतलब क्या है कि वैसा एक्शन का बोध होगा, वैसा क्रिया का बोध होगा जो कि हमारा पूर्ण हो चुका है। इट मीन्स वह काम अभी जस्ट प्रेजेंट में समाप्त हुआ है, जैसे, और समाप्त भी हुआ तो प्रेजेंट में। जैसे देखिए, अभी कहने का मतलब क्या है, मैं खाना खा चुका हूं, तो जस्ट अभी मैंने खाया है खाना, मैं खाना खा चुका हूं, वह स्नान कर चुकी है, वह पटना पहुंच चुके हैं, मैंने दवाई ले लिया है, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ? अभी जस्ट प्रेजेंट में काम समाप्त हुआ है। अब कहिएगा सर कि प्रेजेंट में काम समाप्त हुआ तो चला कब से काम था? तो इसका मतलब ये चल रहा था पास्ट से ही, पास्ट से ये काम चला और ये जाकर के प्रेजेंट में आकर क्या हुआ, ये एंड हो गया, समझ रहे हैं? एंड का मतलब समाप्त हो गया। इसलिए इस टेंस को हम लोग पास्ट और प्रेजेंट का मिश्रण भी कहते हैं। कौन कौन सा टेंस का मिश्रण कहते हैं, किस टेंस को? तो प्रेजेंट परफेक्ट को बोलते हैं पास्ट और प्रेजेंट का मिश्रण, पास्ट और प्रेजेंट का यह कहलाता है आपका मिश्रण। मतलब दोनों का इसमें मिश्रण है। पास्ट कहने का मतलब क्या है कि पास्ट से काम हो रहा था सर, और प्रेजेंट में आकर क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो इस टेंस को आपने समझा, यह टेंस का मतलब क्या हुआ, वैसा एक्शन जो कि पूर्ण हो चुका है, ठीक है, प्रेजेंट में। चलिए हम लोग बिना किसी देर के पहले क्या करते हैं, इसका पहचान लिख लेते हैं। पहचानेंगे कैसे कि इसी टेंस का, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसका पहचान, ठीक है। और पहचान को अंग्रेजी में बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन सर। क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, जिसका मतलब हो जाता है पहचान। मतलब इस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे जब तक हम लोग आइडेंटिफिकेशन, आपको पहचानने के लिए आपका आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं, देखिए आपसे है कि नहीं, ठीक है। हर जगह जब कोई सरकारी लोग आते हैं तो कहते हैं आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, तो उसी तरह से इस टेंस को भी हम लोग बोल रहे हैं कि आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, तभी हम मानेंगे कि तुम हो, ठीक है। तो यहां पर सेम देखिए, पहचान लिखने के लिए मैंने क्या बताया आप लोग को, बताइए कि जब तक क्रिया नहीं होगा तब तक टेंस का सेंटेंस नहीं होगा ब्रदर। ये शुरू में मैंने आपको बताया है कि टेंस होने के लिए मतलब क्या है, क्रिया होना जरूरी है। जब तक क्रिया नहीं होगा तब तक टेंस का सेंटेंस नहीं होगा। अगर कोई भी टीचर कहता है विदाउट क्रिया का टेंस का सेंटेंस है तो उसको जो कह दीजिए, समझ रहे हैं? कहने का मतलब विदाउट टेंस क्रिया का टेंस नहीं होता, क्योंकि क्रिया के फॉर्म को ही हम लोग टेंस कहते हैं, आप लोग को पता है, जो टाइम को इंडिकेट करता है। तो चलिए हम लोग फटाफट इसका पहचान लिख लेते हैं बिना किसी देर किए हुए, ठीक है। तो चलिए आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस के हिंदी वर्ब के अंत में, ये वर्ब लिखना बहुत जरूरी है, सेंटेंस के हिंदी वर्ब के अंत में
चुका है, चुकी है, चुके हैं, सिर्फ यही हो सकता है तो बिल्कुल नहीं, और भी चीज हो सकता है, अथवा इसके अलावे क्या क्या हो सकता है, अथवा यहां पर अथवा में आ है, ई है, लेकिन हाय रहना बहुत जरूरी, आ है, ई है, ए है, ईटीसी लगा रहता है, चलिए। तो सेंटेंस के हिंदी वर्ब के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए, सेंटेंस के हिंदी वर्ब के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा अथवा आ है, ई है, ए है, मतलब या ओब्लिक दिया हुआ है, ई है, ए है, ईटीसी लगा रहता है, बस जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, ज्यादा लेट नहीं करना है ब्रदर्स, फटाफट नोट करिए और बताइए हुआ या नहीं हुआ। और इस बार आप लोगों को 90 पार करना है हर हालत में, ये ध्यान दीजिए, मेहनत करिए, और बहुत ही जल्द YouTube पर ऑब्जेक्टिव का टेस्ट भी होने वाला है, इसलिए आप लोग तैयार रखिए पूरा टाइम इंटेंस को, इसका ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा, वैसा क्वेश्चन हम आपको पूछेंगे जो बिहार बोर्ड पूछते हैं, समझ रहे, इतना ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, तो चलिए पहले इस पर एग्जाम्पल हो जाए, मेरा दोस्त पटना पहुंच चुका है, तो देखिए चुका है लगा हुआ है इसमें, ठीक है, चुका हुआ है, चुका है लगा हुआ, मेरा दोस्त पटना पहुंच चुका है। और एग्जाम्पल लिख लीजिए, अगला एग्जाम्पल, उसने पहले ही, या हाँ उसने पहले ही खाना खा लिया है। सिर्फ अभी आपको बनाना नहीं है, सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोग को, ये जो मैंने पहचान लिखा है उसका एग्जाम्पल है, ये जल्दी से नोट करिए, फटाफट लेट नहीं करना है। तो और है अगला, मेरे सिपाहियों ने तुम्हें अपराध करते हुए पकड़ लिया है। देखिए इसमें क्या है, चुका है लगी हुई है, मैंने क्या कहा कि चुका है लगा रह सकता है, चुकी है, चुके हैं, यह नहीं रहेगा, तो अथवा आ है, ई है, ए है भी रह सकता है, लेकिन हाय रहेगा लास्ट में। देखिए यहां पर आ है लगा हुआ है, लिया है, मतलब इसमें आ छुपा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो इसमें भी देखिए लिया है, पकड़ लिया है, तो यहां पर भी आ है लगा हुआ है, समझ रहे हैं, तो ये भी कौन टेंस का हुआ ब्रदर, ये सभी क्या हुआ, ईटीसी कर दीजिए, ये सब हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, समझ रहे हैं क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों ने ये सीख लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे ब्रदर्स, तो इसमें क्या लगा रहता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा आ है, ई है, ए है। इसके पहले वाले टेंस हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस, जिसमें क्या था, सेंटेंस के हिंदी वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, उसके पहले हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट, उसमें क्या था, सेंटेंस के हिंदी वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है। तो सबका पहचान अलग अलग हो रहा है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके रूल पर, ठीक है, किसको कैसे हम लोग बनाएंगे उसका, चलिए। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, रूल,
बनाने का नियम, ठीक है। चलिए आप यहां लिख सकते हैं रूल फॉर मेकिंग, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको पता है कि ए टू जेड आप ये जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं सर? तो आई देखिए, आई वी यू, ये होता आपका सब्जेक्ट का टेबल, यू उसके बाद ही सी इट या फिर दे, यही होता है प्रोनाउन का, इसी के साथ हम लोग कुछ ना कुछ लगाते हैं, ठीक है। और ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है, ये है आपका, ये है आपका फर्स्ट पर्सन, सॉरी ये आपका है क्या है मतलब सिंगुलर, और ये प्लूरल, इधर से ये फर्स्ट पर्सन दोनों, ये क्या है सेकंड पर्सन, और ये क्या है थर्ड पर्सन। ये टेबल मैंने कई बार बताया है आप लोगों को, ये टेबल मैंने कई बार बताया, इसको जाकर के लिख लीजिएगा, यदि नहीं लिखे हैं तो पहले शुरू से क्लास करिएगा तो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रूल का, तो बनाने का नियम, रूल फॉर मेकिंग। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, रूल नंबर वन, रूल नंबर वन, ठीक है। रूल नंबर वन में ध्यान दीजिएगा, इसमें दो ही चीज लगता है ब्रदर्स, आपको लगाना है हाइब या हाइज, क्या लगाना है हाइब या हाइज, क्या लगाना है हाइब या हाइज। अब देखिए हाइब कहाँ लगेगा और हाइज कहाँ लगेगा, इस चीज पर ध्यान दीजिए, ठीक है। हाइब जितना भी देखिए आई वी और जितना भी प्लूरल सब्जेक्ट है सब के साथ हम क्या लगा देंगे हाइब, और हाइज लगाएंगे ये सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब इस डब्बा के साथ ही सिर्फ हाइज लगाना है, बाकी सब के साथ क्या लगाना है हाइब ही लगाना है, समझ रहे हैं। तो इस चीज को आप लिख लीजिए पहले, किसके साथ हाइब और किसके साथ हाइज लगाना है। चलिए तो जल्दी से लिख लीजिए इसको पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर है हमारा रूल नंबर वन में आई हुआ, वी हुआ, आई वी, उसके बाद यू, आई वी यू, उसके बाद हो गया आपका आई वी यू, उसके बाद दे, उसके बाद मान लीजिए दो गो नाम राम एंड श्याम, दो गो नाम मान लीजिए हमने लिखा राम एंड श्याम, ठीक है। या हमने लिखा यहां पर एनी प्लूरल सब्जेक्ट, एनी प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सब के साथ आपको क्या लगाना है ब्रदर, सब के साथ आपको लगाना है हाइब, ये चीज ध्यान दीजिए। इस तरह से अगर आप लिख लीजिएगा तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ये मुझे पता है, ठीक है। सब के साथ आपको क्या लगाना है हाइब। चलिए तो ये हो गया हमारा रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट। चलिए तो जल्दी से नोट करिए रूल नंबर फर्स्ट को आप लोग। चलिए अगला होगा हमारा रूल नंबर, रूल नंबर टू, रूल नंबर टू। देखिए अब रूल नंबर टू में क्या ध्यान देना है आपको, यह चीज समझिए, आपका जो जो हुआ ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, या मान लीजिए एगो नाम, कैगो नाम, एगो नाम, या एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। सब के साथ आपको क्या लगाना है हाइज, ऐसे अगर लिख लीजिएगा तो क्या होगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा बाद में, ठीक है। एनी सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब कि दुनिया का कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब एक और रहेगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे हाइज लगाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से लिखिए इसको रूल नंबर टू को। तो फाइनली अभी हमने क्या समझा कि आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, या मान लीजिए दो गो नाम होता है उसके साथ हाइब, एनी प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए दुनिया का कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ क्या लगा देंगे हाइब लगा देंगे, ये आपको पता चल गया है। उसके बाद ही सी इट या ए गो नाम या एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर का मतलब ओनली वन पर्सन या थिंग, जैसे एक मार्कर हुआ सिंगुलर, ये चार ले लिए तो प्लूरल, दो ले लिए तो प्लूरल, मतलब एक हुआ सिंगुलर मोर देन वन, मतलब एक से जितना ज्यादा होगा सब के सब प्लूरल होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम लोग का रूल नंबर थ्री हम लोग लिखते हैं, रूल नंबर थ्री। चलिए रूल नंबर थ्री पर चलते हैं, रूल नंबर थ्री, रूल नंबर थ्री, ठीक है।
इस टेंस में सभी सब्जेक्ट्स के साथ V3 का यूज करते हैं। इस टेंस में सभी सब्जेक्ट्स के साथ V3 का यूज करते हैं। अब देखिए V3 का नाम आप लोग को बताए थे, शुरू में याद कीजिए। पहला नंबर डे वन में देखिएगा V1 को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। मैंने सभी फॉर्म का नाम बताया था, वन को क्या बोलते हैं, टू को क्या बोलते हैं, थ्री को, ये जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको आगे चल के काम आए। समझ रहे हैं, ये चीज जरूर देख लीजिएगा, समझ रहे हैं। तो इस टेंस में सभी सब्जेक्ट्स के साथ V3 का यूज करते हैं। वर्ब का कौन सा फॉर्म, तीसरा फॉर्म। और जैसे वर्ब का तीसरा फॉर्म गो वेंट गोन होता है, गो का V3। तो ये चीज आपको रिमेंबर रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। अब कहिएगा अक्सर कौन कौन सा याद करेंगे, तो जो भी बच्चे ऐप में जुड़े हुए हैं उनको हम क्या करेंगे, ऐप में दे देंगे कि यही आपको 12th के लिए याद करना है, ठीक है। जितना भी सिलेक्टेड किया हुआ, जितना आपके एग्जाम से रिलेटेड है, वो सारा हम उसमें सेलेक्ट करके दे देंगे ताकि आपको एक भी V3 फॉर्म में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हम लोग को पता है इतना से ही आएगा, ठीक है। तो वही क्या करेंगे, वहां पर हम दे देंगे, ठीक है। तो आप इजिली पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो चलिए इस टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ V3 का यूज करते हैं। और जो बच्चे चाहते हैं कि हम पूरा कोर्स करें मेरा और अपना लाइव बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ऐप से जुड़े, बहुत ही कम पैसा लगता है आपको, ठीक है। 8292931012 इस नंबर पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको इजिली सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कोर्स का, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी यहाँ से नोट करिए, यहाँ तक आप लोग स्क्रीन शॉट मारिए, जो करिए जल्दी करिए। तो फाइनली हमने देख लिया कहाँ कहाँ लगाना है, क्या क्या चीजें। अब हम लोग चलते हैं सेंटेंस पर इसका। जो वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए, मुझे काफी अच्छा लगता है अगला वीडियो बनाने में, अगला लाइव क्लास देने में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग क्या करिए, जो देख रहे हैं अभी वो लाइक कर दीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा, ठीक है। क्योंकि जब तक लाइक नहीं रहता तो मुझे अच्छा नहीं लगता फिर अगले क्लास लेने में, ठीक है, यूट्यूब पर। तो आप लोग लाइक करके सपोर्ट करिए। और थोड़ा सा आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि जितना भी आप लोग के पास ग्रुप हो सभी में शेयर कर दें, ठीक है, ताकि आपको भी मतलब देखिए, क्योंकि कुछ बच्चे क्या है सिर्फ पढ़ करके छोड़ देते हैं, तो ये अच्छी बातें नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है, आप रेगुलर पढ़ते हैं, तो ज़रूर शेयर करिए, इतना सा मेरे लिए करिए आप लोग, बस मैं ही कहूँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं सेंटेंस के बारे में, जो हम लोग ट्रांसलेशन पहले बनाएंगे। तो मैंने बताया था आप लोग को कई बार कि सेंटेंस 5 प्रकार का होता है, लेकिन इसमें हम लोग 2 ही सेंटेंस का बनाएंगे। कौन कौन सा, एक तो एसर्टिव, एक क्या एसर्टिव सेंटेंस, और दूसरा क्या इंट्रोगेटिव। अब कहिएगा 5 प्रकार क्या क्या होता है, ये चीज मैंने शुरू में लिखाया भी है। assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, optative sentence, ये सारा चीज मैंने लिखा है, अभी हम नहीं लिखेंगे ये चीज, ठीक है। तो assertive sentence और interrogative sentence को हम लोग ज्यादातर टेंस में पढ़ते हैं। तो ये सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, एक affirmative और दूसरा निगेटिव। मतलब assertive sentence 2 प्रकार के होते हैं, affirmative और निगेटिव, और interrogative भी 2 तरह से होता है, WH question और yes no। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना होगा, एसर्टिव सेंटेंस लिखना होगा। तो नंबर 1 में आप लिखिए, ये टीचर नहीं लिखते हैं, सिर्फ एफर्मेटिव लिख देते हैं, जड़ से स्टूडेंट को नहीं बताते, तो मुझे अच्छा नहीं लगता ये बातें। एसर्टिव सेंटेंस, या हो सकता है ना हो, नॉलेज भी ना हो उस टीचर को, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कुछ सभी टीचर को ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ टीचर के बारे में बोल रहा हूँ, अगर हो सकता है उसको नॉलेज नहीं हो, ठीक है। तो एसर्टिव सेंटेंस मैंने लिखा, और यहां पर जो है नंबर 1 मैंने लिखा, क्या लिखा, एफर्मेटिव सेंटेंस, क्या लिखा मैंने, एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए यहां पर देख लीजिए आप। अब देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस मैंने लिखा, इसका पहले क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो क्या लिखा हमने, एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको सकारात्मक सेंटेंस कहते हैं, जिसमें ना तो कोई निगेटिव वर्ड हो, नहीं भी नहीं लगा हुआ, और क्वेश्चन वर्ड भी आपका नहीं हो, वही क्या होता है हमारा, एफर्मेटिव
सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस पूरा सकारात्मक होना चाहिए। जैसे नहीं कहता सकारात्मक सोच रखो, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, कोई निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो वही चीज मैं आपको कह रहा हूँ, प्लीज आप सकारात्मक सोच रखिए, तभी तो सही होगा हर चीज, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इंग्लिश यदि आपको सीखना है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। और मैंने कहा है जो 10 सही से पढ़ लेंगे वो 70% स्पीकिंग कर सकते हैं पूरा, यदि 10 अच्छा से वो पढ़ लेंगे तो, ठीक है। मेरा टोटली पार्ट आपको यूट्यूब पर मिलेगा, उसको अच्छा से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब बनावट जिससे हम लोग बनाएंगे, स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बनावट, ठीक है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या लगाना है आपको, सब्जेक्ट लगाना है। एस यू बी का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट, में पूरा नहीं लिख रहा हूँ। उसके बाद लिखना है आपको हाइव या हाइज, क्या लिखना है, हाइव या हाइज, सब्जेक्ट प्लस हाइव या हाइज। उसके बाद क्या लिखना है, देखिए सब्जेक्ट प्लस हाइव या हाइज, उसके बाद होगा आपका वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर, इसी पर आपको क्या करना है, काम करना है, इसी पर आपको काम करना है। तो ये था एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ये क्या था एफर्मेटिव सेंटेंस। अगर मान लीजिए नहीं लगा रहता है सेंटेंस में, ये तो सकारात्मक सेंटेंस था, अगर मान लीजिए नहीं लगा रहता है तब हम लोग क्या करेंगे, तो निगेटिव सेंटेंस का भी पहले हम लोग स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस जिसको बोला जाता है, मैंने क्या कहा कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, एफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस भी लिख लेते हैं, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी आप लोग लिखिए, कहां पर आपको नोट लगाना है ये चीज ध्यान दीजिए, ठीक है। स्ट्रक्चर देखिए एक एक करके भी हम लिखाते हैं, लेकिन अब लगभग आप लोग सीख चुके हैं, क्योंकि दो टेंस इधर का खत्म हो गया था हाई प्रेजेंट का, तो आप लोग अब सीख चुके हैं कि निगेटिव में कुछ नहीं करना है, सिर्फ नोट लगा देना, विशेष कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये चीज आप लोग सीख चुके हैं। तो नोट कहाँ लगाना है भैया, तो नोट लगाना आपको हैव या हैज के बाद, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, ठीक है, हैव या हैज, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही हो गया आपका, मतलब सिर्फ इसमें नोट लगा दिए। और निगेटिव सेंटेंस में क्या लगा रहता है बताइए, नहीं लगा रहता है, नहीं लगा रहता है, नहीं लगा रहता है, निगेटिव सेंटेंस में है और तो कुछ नहीं है, बस इतने सा बात है। दोनों सेम ही सेंटेंस है, खाली निगेटिव में नहीं लगा रहेगा, और नहीं लगा रहेगा तो नोट आपको लगा देना है हैव या हैज के बाद, क्या करना है, हैव या हैज के बाद नोट लगा देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखिए लिख दिया है। और अगर चाहिए आप चाहते हैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट बनाए स्ट्रक्चर, तो क्या करिएगा, सब्जेक्ट लिखिएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, हाइवेंट मतलब नॉट इसी के साथ दे देंगे, या फिर हाइजेंट, उसके बाद तब हो जाएगा आपका भी थ्री, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर शॉर्ट में करिएगा तो स्पीकिंग सब में ज़्यादातर यही नीचे वाला यूज होगा, क्योंकि उसमें नॉट नहीं बोला जाता, हैवेंट या हैजेंट, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए, यहाँ तक जो करना है स्क्रीन शॉट मारना, जो करना है जल्दी करिए आप लोग, ठीक है, फटाफट। बहुत सारा लोग लाइव छोड़ दिए हैं, और जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वो लाइक कर दीजिए, प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे। चलिए तो आई थिंक आप लोगों का हो गया होगा, क्या जी हो गया बताइए, हो गया बोलिए, यस या नो, हुआ या नहीं, जल्दी से बताइए आप लोग, यस या नो। यस या नो बताइए, चलिए ठीक है। तो दोनों ही स्ट्रक्चर हम लोगों ने लिख लिया है, बस इसी पर हम लोग को क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। उसके बाद और भी इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बाद में लिखेंगे, पहले इस पर हम लोग सेंटेंस बना लेते हैं। एफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद निगेटिव में वही चीज़ है, खाली नोट यहाँ पर लगा दिए हैव या हैज के बाद, देखिए हैव या हैज के बाद नोट लगाओ, बाकी कुछ नहीं है। उसी तरह से याद के सब्जेक्ट प्लस हैवेंट या हैजेंट, मतलब नोट इसी में साट दिए और कुछ नहीं किए, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए हम लोग अब फटाफट काम करते हैं अपना, ठीक है। तो
मैं इसको मिटा रहा हूं, अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। चलिए तो एग्जाम्पल लिखिए जल्दी से आप लोग, क्या करना है आप लोगों को, एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल लिखिए। सबसे पहले वे लोग घर आ चुके हैं, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। चलिए और ले लेते हैं सेंटेंस। पहले हम लोग बनाने का भी प्रयास करते हैं धीरे धीरे, ठीक है, पहले उसके बाद बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहां पर है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, और अभी जस्ट अभी ब्रदर हमने क्या स्ट्रक्चर पढ़ा, याद करिए कि सब्जेक्ट प्लस हाइव या हाइज, यही ना, हाइव या हाइज प्लस अगर नॉट रहेगा तो नॉट, फिर भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, नॉट नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लगाएंगे और क्या। तो सबसे पहले देखिए यहां पर है हमारा सब्जेक्ट दे, उसके बाद देखिए आ चुके हैं, जिसमें चुका है, चुकी है लगा हुआ वर्ब है, ठीक है, तो बस तो बन तो गया। तो सब्जेक्ट लगाइए, यहां पर क्या लगाना आपको, देखिए सब्जेक्ट है दे, तो दे लगा दिए। और अभी जस्ट हमने सीखा था कि आई वी यू दे सब के साथ क्या लगाएंगे, हाइव, तो हाइव या हाइज में एक ही चीज ना लगाना है, तो चलिए हाइव लग गया यहां पर, दे हाइव क्या हो गया, दे हाइव। उसके बाद देखिए नहीं तो नहीं लगा हुआ है, तो आगे बढ़ जाएंगे यहाँ भी थ्री, अब भी थ्री यहां पर वर्ब है आना, तो आना का देखिए आपको याद होना चाहिए भी वन भी टू भी थ्री, तो कम होता है इसका भी वन, केम होता है इसका भी टू, कम केम सी एम ई केम, और फिर आपका भी थ्री में भी कम ही हो जाता है, क्या हो जाता है, कम, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, यहां पर भी थ्री लगाना, दे हैव कम, उसके बाद टू हाउस, ठीक है, हो गया, तो दे हैव कम टू हाउस। चलिए आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा नंबर एग्जाम्पल देखिए, मैंने ताजमहल नहीं देखा है, मैंने ताजमहल नहीं देखा है, तो क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, आई, अब आई के साथ अभी जस्ट सीखे हम लोग हाइव लगेगा, आई हाइव, तो सब्जेक्ट हो गया हाइव या हाइज में हाइव लग गया। अब देखिए ब्रदर क्या लगाना है, नॉट भी है इसमें, तो नॉट भी लगा देंगे, तो क्या हो गया, आई हैव नॉट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ तो ये हो गया देखना, वर्ब देखा, आ है, इसी में लगा हुआ है, तो आ है। देखना का होता है, देखिए देखना का तो बहुत अंग्रेजी होता है, वाच का मतलब भी देखना, लुक का मतलब भी देखना, लेकिन जब कोई प्लेस व्लेस देखने का बात होगा तो यहां पर हम लगा देंगे सी, क्या लगा देंगे, सी। तो देखिए यहां पर जो हमारा होगा देखना का हो जाएगा सी भी वन होगा, और सौ हो जाएगा आपका भी टू, और सीन हो जाएगा आपका भी थ्री, क्या हो जाएगा, सी ए सी सौ सीन, ये मतलब हो गया आपका देखना, यहाँ प्लेस देखने का बात है, इसको लिख लिया करिए बगल में ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो आई हैव नॉट, उसके बाद हो गया सीन, क्या हो गया, आई हैव नॉट सीन, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए कोई हिस्ट्रिकल प्लेस होगा, ऐतिहासिक स्थान होगा, तो उसके आगे द का यूज जरूर करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, द ताजमहल, ठीक है। आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े, इसके आगे जल्दी से नोट भी करते रहिए आप लोग। अगला है, मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है,
अगला है वह वह या किताब या उसने या किताब नहीं पढ़ी है। ठीक है, चलिए तो कुछ निगेटिव भी दे दिए ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो, निगेटिव भी दे देते हैं, कुछ इंट्रोगेटिव भी दे देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो, तो नोट करिए। उसके बाद देखिए यहां पर है हमारा सेंटेंस, मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। ठीक है, पूरा करना ये वर्ब हो गया, पूरा करना को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट। क्या बोलते हैं? कंप्लीट, इसका मतलब हो जाता है आपका पूरा करना। और इसका आपको कंप्लीट का V2 और V3 अगर बनाइएगा तो सिर्फ इसमें ED लगा देना है। क्या लगा देना है? ED, तो कंप्लीटेड हो जाएगा। तो चलिए यहां पर हम क्या करते हैं, आई हो जाएगा महीने का। महीने का मतलब क्या? महीने का मतलब, मैं कोई बच्चा कंफ्यूज कर देता है महीने का क्या होगा सर, तो महीने का मतलब क्या, मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, मतलब मैं अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, मतलब अपना मैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई आई के साथ क्या लगाइएगा, हैव, तो आई हैव। उसके बाद देखिए आई हैव पूरा करना का क्या हो जाएगा, भीतरी कंप्लीटेड। कंप्लीटेड, कंप्लीट का मतलब हुआ पूरा करना, इसमें ईडी लगा दिया तो क्या हो गया, कंप्लीटेड। ये हो गया आपका भीतरी, यहां जैसे ये हो गया था आपका भीतरी, ये था भीतरी। ठीक है, तो आई हैव कंप्लीटेड। और अपना प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट का मतलब देखिए, अपना का अंग्रेजी किसके अनुसार, आई के अनुसार, मैंने बताया था आप लोग को, याद करिए, आई का अपना का अंग्रेजी माई होता है, वी का अबर, मतलब किसी डे में हम बताए हुए हैं टेंस का, शुरू से देखते आइएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा अपना का अंग्रेजी। तो आई का फिलहाल यहाँ पर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार होता है, आई का अपना का अंग्रेजी माई, वी का अपना का अंग्रेजी आवर, इनको डिटेल से हम बताए हैं तो उनको देख लीजिएगा। तो आई हैव कंप्लीटेड, उसके बाद क्या हो जाएगा, माई माई प्रोजेक्ट, तो क्या हो गया, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। ठीक है, जल्दी से अगला देखिए, उसने यह किताब नहीं पढ़ी है, उसने यह किताब नहीं पढ़ा है। तो देखिए उसने यहां पर क्या है, नहीं पढ़ी है, लड़की है, तो क्या लेंगे, सी, और सी के साथ क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा। सी के साथ हमने क्या सीखा है, हैज लगेगा, क्या लगेगा, हैज। ठीक है, तो सी हैज। अब देखिए निगेटिव है, नहीं लगा हुआ है, तो नोट लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, तो हैज लगा दिया। अब क्या लगाना है, नोट, तो नोट लगा दिए, तो सी हैज नोट। अब देखिए पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, बहुत सारे लोग क्या गलत करते हैं, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए आप लोग को पता है आर ई डी रीड, इसका मतलब क्या होता है, पढ़ना, और सेम स्पेलिंग होता है यहां पर रीड और रीड, लेकिन इसको यहां पर आपको पढ़ते हैं रेड, क्या पढ़ते हैं रेड, और वन नंबर में इसको रीड पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, स्पेलिंग सेम लेकिन पढ़ना प्रोनाउंसिएशन अलग होगा। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होगा, भी वन में रीड आर ई डी, इसमें भी आर ई डी, लेकिन इसमें रेड पढ़ेंगे, इसमें रेड पढ़ेंगे, समझ रहे, किसमें, भी टू और भी थ्री में। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलेंगे हम, सी हैज नॉट रेड, स्पेलिंग वही लिखना है लेकिन पढ़ना है रेड, तो सी हैज नॉट रेड। उसके बाद यह किताब का क्या हो जाएगा, दिस बुक, दिस बुक। चलिए जल्दी से नोट करिए आप लोग, देखिए मेरा कहना यह है कि आपको मैं हर चीज सिखा दूंगा, बस आप लोग क्या करिए, फुल्ली फोकस करिए। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग लिखिए यहां तक। तो आई थिंक यहां तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग और भी थोड़ा सेंटेंस बना लेते हैं, जो चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले हर वीडियो मिले, हर क्लास मिले। ठीक है, अब देखिए पहले एक बात आपको मैं स्टार देकर के लिखा रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कुछ ऐसे वर्ड है जो कि भी थ्री के पहले लगाएंगे, कहिएगा ये क्या सर, जी बिल्कुल, स्ट्रक्चर को वो फॉलो नहीं करेगा, वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, यानी कि भी थ्री के पहले लगाना है। कौन कौन सा वर्ड है,
तो वह चीज हम लिख लेते हैं पहले स्टार देकर के, यहां थोड़ा सा स्टार दे दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा निम्नलिखित, निम्नलिखित, निम्नलिखित वर्ड्स, निम्नलिखित वर्ड्स को मेन वर्ब, मेन वर्ब, ब्रैकेट में दे दीजिएगा भी थ्री, क्योंकि भी थ्री लगता है इसमें। निम्नलिखित वर्ड्स को मेन वर्ब भी थ्री के पहले रखा जाता है। अभी और भी सेंटेंस बनाएंगे अफर्मेटिव निगेटिव पर, टेंशन नहीं लीजिए, इसको भी बीच में ला दिए ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। ये वर्ड भी अब यूज करेंगे, निम्नलिखित वर्ड्स को मेन वर्ब भी थ्री के पहले रखा जाता है। देखिए कौन कौन सा वर्ड है, वह है आपका, वह है आपका जस्ट, और जस्ट का मतलब हो जाता है आप जानते हैं तुरंत, जस्ट का मतलब तुरंत। उसके बाद है आपका इवर, इवर का मतलब हो जाता है कभी। उसके बाद है आपका नेवर, नेवर का मतलब क्या हो जाता है आपका कभी नहीं, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑलरेडी, ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, ठीक है, या पहले से भी कह सकते हैं, पहले ही या पहले से, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका ऑफेन, ओ एफ टी ई, इनको आपको क्या पढ़ना है, ऑफेन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ऑफेन, यानी कि ऑप्टेन नहीं पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ही बच्चे गलत करते हैं। इसको क्या पढ़ना है, ओ एफ टी एन को ऑफेन, क्या पढ़ना है, ऑफेन। तो क्या हो गया यहां पर, जस्ट, इवर, नेवर, ऑलरेडी, ऑफेन, एक और लिख लीजिए ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हो जाता है हमेशा, ठीक है। तो आपको क्या बताया मैंने कि निम्नलिखित वर्ड्स को मेन वर्ब भी थ्री के पहले रखा जाता है, मतलब ये सब वर्ड जो आपको दिख रहा है ये सब कब रखना है, भी थ्री के पहले। बिहार बोर्ड आपको पूछेंगे सही सेंटेंस को चुनिए, सही सेंटेंस को चुनिए, तो वहां पर ये सब वर्ड यदि भी थ्री के बाद रहेगा तो कहिएगा भैया तुम गलत हो, सर ने मुझे पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि ये भी थ्री के पहले रखना है। तो ये चीज देख लीजिए, ठीक है, इस चीज को क्या करना है आपको देख लेना है, देख लीजिए इस चीज को, समझ रहे हैं, तो जल्दी से नोट करिए आप लोग, फटाफट नोट करिए जल्दी से आप लोग। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं इस पर। देखिए अभी हमारा एग्जांपल हुआ था चार तक, लेकिन बीच में ये वर्ड भी आ गया, पांचवा नंबर एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है, बीच में ये वर्ड आ गया आपका, ठीक है, पांचवा नंबर हम लोग एग्जांपल लिखते हैं। चलिए चार एग्जांपल हुआ था, पांचवा नंबर हम लोग लिख रहे हैं, ये बीच में आ गया वर्ड हमारा, तो इसको भी लिख लिए। चलिए एग्जांपल है आपका फाइव, फाइव नंबर, उसने, उसने पहले ही, पहले ही या फिल्म, या फिल्म देख लिया है, उसने पहले ही यह फिल्म देख लिया है। अगला है हमारा, उसने पहले ही यह फिल्म देख लिया है। उसके बाद लिखिए वह तुरंत घर गया है। उसके बाद अगला है हमारा फाइव सिक्स सेवन, सेवन नंबर, चलिए जल्दी से लिखिए, मैं आपसे कभी नहीं मिला हूं, चलिए मैं आपसे कभी नहीं मिला हूं। तो चलिए फटाफट हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जल्दी से एकदम पेन तैयार रखिए। देखिए उसने, हमारा स्ट्रक्चर क्या एक बार लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज,
उसके बाद प्लस नॉट रहेगा तो नॉट, उसके बाद वी थ्री, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है हमारा यहाँ पर कि उसने पहले ही यह फिल्म देख लिया है। मतलब यहाँ पर देखिए उसने ये हुआ हमारा, क्या हुआ, उसने हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा ये हुआ देखना, क्या हुआ वर्ब। शुरू में सब्जेक्ट वर्ब निकालने के लिए आपको बताए थे, ठीक है। और पहले ही का क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑलरेडी, और यह फिल्म यह ऑब्जेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लगा लेते हैं उसने का क्या हो जाएगा ही, और ही के साथ क्या लगेगा, हाइज लगेगा। ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ही हाइज। उसके बाद देखिए नहीं तो नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है, देखिए पहले ही का अंग्रेजी भी जस्ट बताया था आप लोग को ऑलरेडी। और इसको कब लगाना है ब्रदर, वी थ्री के पहले, तो वी थ्री आए उसके पहले लगा लेते हैं हम लोग ऑलरेडी। अब देखिए अब देख लिया है, इसका अंग्रेजी कंप्लीट, अब देखना का अंग्रेजी है। तो देखना का देखिए जब भी कोई मूवी देखने का, पिक्चर देखने का बात हो तो वहां पर वाच लगाएंगे, वाच। और इसका वाच का भी थ्री होता है वाच्ड, क्या होता है वाच्ड, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ईडी खाली लगा देना है, देखना, समझ रहे हैं, वाच का मतलब देखना हुआ। इसका क्या होता है आपका भी थ्री में, इसका मतलब वाच्ड, तो ही हैज ऑलरेडी वाच्ड। उसके बाद यह फिल्म का आप लगा सकते हैं दिस फिल्म या दिस मूवी, जो लगा दीजिए दिस मूवी ही लिख देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। चलिए फटाफट लिखिए आप लोग। अगला नंबर वह तुरंत घर गया है, तो क्या हो जाएगा वह का यहां पर ही, और ही के हाइज, ही के साथ हाइज लगेगा। और तुरंत का अंग्रेजी जस्ट, अभी मैंने बताया है कि जस्ट होता है, और जस्ट कब लगाना है, भीतरी के पहले, क्या हो जाएगा यहाँ पर जस्ट, तो ही हाइज जस्ट। और जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गया है, मतलब देखिए गो, गो का मतलब हो गया जाना। इसका ये हुआ वी वन, वेंट होता है इसका वी टू, और इसका यदि हम वी थ्री के बात करें तो क्या होता है वी टू हुआ वेंट, और वी थ्री होता है आपका गोन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ही हाइज जस्ट गोन, उसका टू हाउस, ठीक है। तो क्या हो गया ही हाइज जस्ट गोन टू हाउस। अगला मैं आपसे कभी नहीं मिला हूं, ये ध्यान दीजिएगा, अगला ये सेंटेंस हमारा, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे बताइए, आई लगाएंगे सबसे मैं का पहले, आई के साथ क्या लगाएंगे हाइव, आई हाइव। अब देखिए कभी नहीं का अंग्रेजी क्या होता है, नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं। और जस्ट अभी मैंने बताया था आपको कि नेवर कब लगाना है भीतरी के पहले, तो आई हाइव नेवर। उसके बाद देखिए मिलना का अंग्रेजी, मिलना का अंग्रेजी होता है यहाँ पर मीट, मीट का मतलब मिलना, ठीक है। तो इसका भी टू और भी थ्री दोनों होता है मेट, क्या होता है मेट, ये दीजिएगा भी थ्री में। तो चलिए यहाँ पर आई हैव नेवर मेट, और मुझ आपसे का क्या हो जाएगा यू, तो क्या हो गया यहाँ पर आई हैव नेवर मेट यू। अब कहिएगा सर हम नॉट नहीं लगाएंगे इसमें, यदि आप नॉट लगा के बनाना चाहते हैं तो वो भी बनेगा। तो चलिए मैं अथवा करके लिख देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना, आई हैव, आई हैव, तब लिखना होगा नॉट, आई हैव नॉट। और उसके बाद यहां पर कभी का अंग्रेजी लगाना होगा इवर, आई हैव नॉट इवर। उसके बाद क्या हो जाएगा तब, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट इवर। उसके बाद क्या हो जाएगा मेट यू, कहने का मतलब है अगर आप लगाइएगा नॉट, अगर आप लगाइएगा नॉट तो यहाँ पर क्या लगाना होगा, तब आपको इवर लगाना होगा, क्या लगाना होगा इवर। और यहाँ पर डायरेक्ट हम नेवर का मतलब कभी नहीं होता है लगा दिए, और इवर का मतलब होता है कभी, तो ये भी यूज कर सकते हैं, आई हैव नॉट इवर मेट मेट यू। तो दोनों ही सही है, आप जो लगाइए, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो हमारा कोर्स लेना चाहते हैं उनको क्या करना है, इस नंबर पर कॉल करना है या व्हाट्सअप करना है 8292931012, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा,